अहम अपडेट आपसे शेयर करें। नवाज शरीफ ने एपीसी में शिरकत करने का फैसला कर लिया। बिलावल ने फोन करके वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दी, जिसे नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में एपीसी 20 सितंबर को होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को टेलीफोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने एपीसी में शिरकत की हामी भर ली है। अपोजिशन के आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई है। अपोजिशन की एपीसी का एजेंडा दो निकात पर मुश्तमिल होगा। एपीसी में हुकूमत की दो साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एजेंडा जायजे के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतल्लिक तजावीज देंगी। ज़राए का कहना है कि छोटी अपोजिशन जमातों की जानिब से एपीसी में मौजूदा असम्बलियों से इज्तमाई इस्तीफों के ऑप्शन को ज़ेरे गौर लाने का मुतालबा किया गया है। एपीसी की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। आसिफ जरदारी की शिरकत का इम्कान नहीं है। शुरका की हतमी फहरिस्त एक दिन पहले जारी की जाएगी। इंतजामात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत इस्लामाबाद पहुंच गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी पर लंदन में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुमकिन तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन को दोहराए लंदन की दावत। एबीसी के बाद लीगी रहनुमाओं को भी लंदन तलब कर लिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम गैर रस्मी मशावरती इजलास लंदन में होगा।